हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। संक्रांत में बनने वाली खाने वाली तिल और गुड़ की। ये ठंड के दिन में तिल और गुड़ दोनों की तासीर बहुत गर्म होती है, तो ठंड के दिन में खाने से काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं आपके लिए तिल की पट्टी यानी तिल की चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, 100 ग्राम हमने तिल ले लिया है, वाइट वाला तिल है, और 100 ग्राम ही हमने गुड़ लिया। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है इसे। गैस ऑन करके एक कढ़ाई हमने रख दिया है, उसमें पहले तिल को हम डालकर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तिल बहुत ही जल्दी भून जाती है, 5 से 7 मिनट हमें इसे तिल को भूनने में लगेंगे, और जैसे ही सारे तिल फूल जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी रेसिपी को देखें और बनाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली नई नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए, इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेते हैं। देखिए, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और तिल हमारी भून चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी हल्का ब्राउनिश हो गया है। गैस को ऑफ कर लेते हैं, इसे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, और एक बॉल में इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, एक प्लेट में हमने तिल को निकाल लिया है, ये भून चुकी है, इसे रख देते हैं, 10 मिनट ठंडी होती है तब तक हम गुड़ का पाक तैयार करते हैं। सेम कढ़ाई में मैं 1/2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। 100 ग्राम तिल की मैं बना रही हूँ इसलिए 1/2 टीस्पून ही ऐड करूँगी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाती है इसमें हम गुड़ डाल देंगे। देखिए, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो गुड़ जो है जल जाएगी, और जल जाएगी तो ये कस्सापन आ जाएगा इसमें, इसलिए हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में इसे इस तरह से, देखिए ये गुड़ हमारी मेल्ट होने लगी है, और इसे कंटिन्यू हमें चलाना है, यदि छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। देखिए, गुड़ हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमें, और इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें, ये 1/2 टीस्पून से 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, और कंटिन्यू इस तरह से हमें चलाते रहना है। तो देखिए, इसे छोड़ना नहीं है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है बेकिंग सोडा डालने के बाद। 1/3 टीस्पून हमें ऐड करना है 100 ग्राम के तिल की चिक्की में। देखिए, इस तरह से ये कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो इस पाक को चेक करने के लिए एक कटोरी में हमने पानी ली है, और थोड़ा सा इसमें हम ये गिरा कर देख लेते हैं, थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारी पाक ठीक से बनी है या नहीं। देखिए, ये जो हमने गुड़ के पाक डाले थे, यदि ये पानी में इधर उधर बहने लगे या इसमें चूजीपन हो, चिमड़पन हो, तो आप समझिए आपका पाक नहीं बना है। लेकिन ये हार्ड हो गई है, इसे तोड़ कर देखिए, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, तो ये पाक हमारी रेडी हो गई है। तो गैस को हम ऑफ कर लेते हैं। अब मैं इसमें तिल डाल दूंगी, और इसे फटाफट हमें इस तरह से मिक्स करना है, यदि ये ठंडी हो जाएगी तो जम जाएगी, इसलिए ठंडे होने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए, हमने अच्छी तरह से तिल को इसमें मिक्स कर लिया है, गर्म थी तभी। अब मैं एक पॉलीथीन एक ले ली हूँ, उसके ऊपर हम इसे डाल देंगे इस तरह से। पॉलिथीन के ऊपर डालकर हमें इसे थोड़ा सा फैला लेना है इस तरह से, और थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए उसके बाद मैं इसे
एक पॉलीथीन ऊपर से रखकर इसे बेल लूंगी। देखिए इसके ऊपर एक और पॉलीथीन मैं इस तरह से रख लेती हूँ और इसे हम इस तरह से बेलन से जिस शेप में आप बेलना चाहें और जितनी मोटी देखिए इसे इस तरह से हमने बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये बनी है। अब हम इसे ये हल्की गर्म है गर्म ही मैं इसे इस तरह से निशान लगा दूंगी ताकि ये ठंडी होने पर आराम से हम निकाल सकें। इसे ठंडी हो जाने के बाद आप इसमें निशान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए गर्म में ही हल्की जब ये गर्म रहे उसके उस समय ही आप इसमें निशान इस तरह से बना लीजिए। देखिए यदि आप गर्म में ही इस तरह से निशान बना लेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी ठंडी होने के बाद ये बहुत ही आराम से निकल जाएगी और जब ये पूरी तरह से जम जाएगी तो इसमें निशान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से गर्मा गर्म ही इसमें आप देख सकते हैं पॉलिथीन पर हमने बनाया तो ये खुद ब खुद अभी से ही अलग होने लगी है। देखिए इस तरह से हमने इसे निशान लगा लिया है। अब मैं आधा घंटा के लिए इसे ठंडे होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे कट करके या तोड़कर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे रख देते हैं। देखिए आधे घंटे हो गए हैं और ये ठंडी हो चुकी है तो आप देख सकते हैं मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये खुद ब खुद निकल रही है। और ये जो घर में हमने दाग लगाए थे इसलिए ये काफ़ी आसानी से निकल रही है और जो प्लास्टिक पर हमने इसे जमाया था इसलिए ये फटाफट निकल जा रही है। देखिए इस तरह से, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से हम निकल चुकी है और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। एक छोटी सी पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है। देखिए बहुत ही आराम से टूट रही है, बिल्कुल चूजी नहीं हुई है और इसमें हमने ज़्यादा कुछ ऐड भी नहीं किया है। 10 मिनट में ये सारी चीज़ें हमारी बनकर रेडी हो जाती हैं। तो चलिए इसे सजा देते हैं एक प्लेट में। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। बाजार से तो आपने हमेशा बनाकर लाकर खाई होगी, कभी घर में बनाकर देखिए बहुत ही मज़ा आता है। अपने घर में खुद के हाथों से बनी हुई चीज़ों को खाने का अलग ही मज़ा होता है। देखिए एक प्लेट में हमने इसे सजा दिया, आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में बनती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसे ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।